शामली में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आदर्श मंडी के पास चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 10,000 पेटी शराब भी बरामद की। आपको बता दें कि तस्कर शराब को पंजाब से हरियाणा से तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों अभियुक्त पंजाब और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके कब्जे से ट्रक में भरकर लाई जा रही 1,000 पेटी बटालियन व्हिस्की मार्का शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 10,00,000 से ज्यादा की बताई जा रही है। ये शामली पुलिस में थाना आदर्श मंडी के द्वारा एक बड़ा गुटवर्क किया गया है, जिसमें एक करीब 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है और इसके साथ साथ ड्राइवर समेत 3 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मामला यह है कि चेकिंग चल रही थी, आज भोर का मामला है, उसी दौरान सूचना हमारी मिली हुई थी और मुखबिर भी साथ में लगे हुए थे कि पंजाब से शराब आ रही है 10 टायरा ट्रक में। तो उस पर हमारे थाना अध्यक्ष आदर्श मंडी श्री करमवीर और उनकी टीम लगी हुई थी। इनको चेकिंग के दौरान ये ट्रक को रुकवाने की कोशिश की गई। ट्रक में गिरफ्तार जितने भी थे ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि ये 2 अभियुक्त लुधियाना के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त यमुनानगर का है और इनके कब्जे से ये करीब 1,000 पेटी शराब जो पंजाब में बनी इसमें पाई गई है, पंजाब में डिस्टिलरी है और ये हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश की सर शामली ज़िले में सप्लाई होने की बात अभी प्रकाश में आई है। बाकी इन अभियुक्तों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जनपद शामली हरियाणा राज्य से सटा हुआ है, जिसके कारण यहां पर पंजाब और हरियाणा से शराब तस्करी की जाती है। शराब तस्कर शामली के रास्ते यूपी में प्रवेश कर यूपी के अलग अलग जनपदों में शराब तस्करी का कारोबार करते हैं। वहीं SP शामली ने थाना आदर्श मंडी पुलिस को इस सफलता के लिए 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए शामली से सरफराज की रिपोर्ट।